नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डीके यादव न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। पाकिस्तान पर ये वक्त भी आना था और ये होकर ही रहना था, इसलिए कि हुक्मरानों का इलाज तो मुल्क में होता नहीं। वो यही मैं बात कह रहा हूँ आपको, इन 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 इनकी गवर्नमेंट में तो सुई बाहर से नहीं आप मंगवा सकते, उसके लिए डॉलर नहीं देते। चीज हुई है ना इस सारे सिनेरियो में, वो ये है कि इनकी एक 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 चीज बिल्कुल अया हो गई है। आते हैं तो उसमें जिस तरह प्यादा चलता हुआ जाता है फ्रंट लाइन पे, वही होता है। बात कुछ ऐसी है, पाकिस्तान का टास्क है। तो खांसी का शरबत, खांसी का सिरप, कोई छोटी सी सर्जरी, जिस तरह मरियम साहिबा अब जनीवा चली गई हैं, बरतानिया भी नहीं, तो कुछ भी करवा लो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। अब इतनी अफसोसनाक, खतरनाक खबर सामने आई है कि अब पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन, यानी जान बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। अद्वियात का बहरान तो पहले ही कहा जा रहा था कि खाम माल नहीं आ रहा, अद्वियात का बहरान आ रहा है, अद्वियात मिल नहीं बन नहीं रही क्योंकि उसका खाम माल ही नहीं आ सकता, डॉलर्स ही नहीं है आपके पास। अब हाल ये हो गया है कि ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन थिएटर्स में जो सर्जिकल इक्विपमेंट चाहिए होता है, जो मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए होता है, अब उसकी कमी हो रही है। और 100 से ज्यादा कंटेनर्स, कोई एक दो नहीं, 100 से ज्यादा कंटेनर्स इस वक्त अब पोर्ट पर मौजूद है, वो आ नहीं रहे, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में अब ऑपरेशन करना भी मुश्किल हो जाएगा जाने बचाने के लिए। अद्वियात तो चले ये था कि जनाब वो भी जरूरी है जान बचाने के लिए, लेकिन वो तो शख्स इस तरह है कि जनाब दवाई कहीं से कर लें, कोई और अल्टरनेट ले लें, क्या करें, अच्छा वो जिंदा तो है, बीमारी भी बढ़ सकती है, क्या होगा। ये तो यह है कि फौरी तौर पर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, वो आखिरी एक उम्मीद होती है, ऑपरेशन इसलिए किया जाता है, इतनी खतरनाक सूरत हाल होती है। अब यह सूरत हाल बन गई है, बाकी चीजें तो छोड़ ही दें, जो खुराक का बहरान सर उठा रहा है, दीगर चीजों के मामलात हैं, यहां तो अब हॉस्पिटल्स तक, ऑपरेशन थिएटर तक, जिंदगी बचाने तक मामलात आ गए हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, लूमिंग क्राइसिस, हॉस्पिटल्स ब्रेस फॉर इक्विपमेंट शॉर्टेज। ये तुफैल अहमद की ये पूरी रिपोर्ट आर्टिकल है, जनवरी 5, 2023, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये अवेलेबल है वेब पर। और वो कह रहे हैं कि जी, अ शॉर्टेज ऑफ मेडिकल सर्जिकल सप्लाईज इज ऑलरेडी ब्रूइंग इन द कंट्री ड्यू टू ड्रग रेगुलेटर्स नेग्लिजेंस। कि एक तो डॉलर्स की कमी थी, वो एलसीज का मसला था, अब रेगुलेटर की नेग्लिजेंस, नाहली की वजह से एक और मसला खड़ा हो गया है। इसमें उन्होंने हॉस्पिटल्स का हवाला दिया है, एसोसिएशंस का हवाला दिया है, डॉक्टर्स से, सर्जन से बात की है, जो बता रहे हैं कि कितनी खौफनाक, खतरनाक सूरत हाल है। अब चंद चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं कि एक एसआरओ था, वो पहले अप्रैल में था, तो उसके बाद इक्विपमेंट आया। अब दिसंबर 21, 2022 से जनाब कुछ हुआ नहीं। इसमें ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, उनसे भी कह रहे हैं कि जी हमने उनका मौकफ लेने की कोशिश की, जवाब ही नहीं दे रहे वो। अच्छा, अब जनाब चूंकि एसआरओ नहीं जारी हुआ और वो कह रहे हैं जी 100 से ज्यादा कंटेनर्स हैं इंपोर्टेड इक्विपमेंट के, जो कि इस वक्त कराची पोर्ट पर मौजूद हैं। अब जो सीनियर वाइस चेयरमैन हेल्थ केयर डिवाइसेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है, अदनान सिद्दीकी, उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया है कि अब हॉस्पिटल प्रेशर फील कर रहे हैं क्योंकि कमी हो गई है सर्जिकल मेडिकल इक्विपमेंट की, और 3 लाख से ज़्यादा सर्जिकल मेडिकल और डायग्नोस्टिक टूल्स, तशखीस के, ऑपरेशन के लिए, मेडिकल के लिए सर्जिकल टूल्स जो हैं वो पेशेंट्स के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, ज़रूरत होती है पाकिस्तान में, और ज़्यादातर इनमें से जो हैं वो ज़िंदगी बचाने के लिए होते हैं। लेकिन अब रेगुलेटरी बॉडी के डिसरिगार्ड की वजह से जो नज़र आ रहा है, तो उसकी वजह से अब ये मुल्क में, ये भी अब मेडिसिन के बाद, मेडिसिन शॉर्टेज के बाद ये एक बहरान आ गया है। अब्दुल कादिर पटेल साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, वो विभाग की वजीर सेहत हैं और उनका ताल्लुक भी कराची से भी है, तो कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर उनकी पार्टी का कोई जरदारी साहब या किसी को भी कोई मसला आता है तो मुल्क से बाहर ही जाते हैं। मरियम साहबा देख लीजिए, नवाज शरीफ साहब देख लें, शहबाज शरीफ साहब देख लें, किसी को भी, कोई खुर्शीद शाह साहब, किसी तरह की कोई भी बीमारी होती है तो मुल्क से बाहर जाकर ही इलाज किया जाता है। मैं ये बात कहता हूं कि फैसलाबाद की जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उस वक्त 30 रुपए यूनिट बिजली का था, अब हमारी जब गवर्नमेंट गई तो अब यूनिट वो 55 रुपए है,
और आपको मैं बताऊं कि फैसलाबाद की पावर लूम अगर 100 पावर लूम है ना टोटल, तो जिसमें से 65 चल रही हैं और 35 बंद हो गई हैं, और जो 65 चल रही हैं वो भी अपनी कैपेसिटी से आधा चल रही हैं, यानी हाफ चल रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो मजदूर, जो टेक्सटाइल, हमारा इधर फैसलाबाद में एक मकबूल रोड है, वो इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है, अब एक उधर डाइंग फैक्ट्री है, आपको आपको मैं बताऊं, आज ही उधर मैं गया हूं और मुझे वहां पता चला है कि वहां पे 80% इंडस्ट्री बंद हो गई है, और टेक्सटाइल वालों ही बताते हैं कि 15 लाख बंदा बेरोजगार हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि एक इंडस्ट्री जो होती है वो हजारों खानदान को रोजगार देती है, क्योंकि पूरा सर्कल चलता है उससे, कोई रिक्शे वाला आ रहा है, कोई ट्रक वाला जा रहा है, कोई पूरा सर्कल चलता है। 15 लाख बंदा तो वो जो है हमें नजर आ रहा है जो फैक्ट्रियों से निकल गया है, इसके पीछे एक पूरा सर्कल है। मेरे ख्याल से 50 लाख बंदा बेरोजगार हुआ है इन जाली हुकूमत करने वालों की वजह से। सिर्फ सिर्फ फैसलाबाद की बात कर रहे हैं या आप ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं? सर मैं ओवरऑल टेक्सटाइल सेक्टर की, आपने भी पता, आपको भी पता होगा कि 15 लाख तो उन्होंने आप खुद फिगर दिए हैं कि 15 लाख बंदा बेरोजगार हुआ है। उसके बाद फैसलाबाद की मकबूल रोड, जितनी गुलाम हमदाबाद, जितनी भी इंडस्ट्रीज एरिए हैं, वो इंडस्ट्री एरिए तकरीबन आधी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, और जो चल भी रही हैं वो भी फैक्ट्रियां अपनी कैपेसिटी से नीचे चल रही हैं। और यहाँ भी फैसलाबाद में आपको मैं एक बात बताते हूँ साहब, जो एक बार बहुत बड़ा झटका लगा है उस पर कोई गौर नहीं कर रहा कि जो खबर आई है कि जो कपास की इस दफा फसल आ रही है वो 4.56 मिलियन बेल्स आ रही है। ये पहले एक जमाने में तो 15 हुई 13 हुई, पिछले साल भी ये 8 बिलियन बेल के करीब, कोई मतलब 80 लाख जो है ना गांठें थीं। तो ये आधी हो जाने से ये क्राइसिस जिधर जाएगा, एक तो ये है कि जो बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी, हमारे पास डॉलर फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है मंगवाने का, और दूसरा फिर जब ये मंगवाई नहीं जाएंगी तो ये यहाँ पे कॉटन नहीं होगी और बाहर से हम मंगवा नहीं पाएंगे, तो ये तो डबल ट्रिपल हो जाएगा एक क्राइसिस। उन्होंने इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिया। आप यकीन करें कि फैसलाबाद में 9 महीने हो गए इनकी गवर्नमेंट, कोई वफाकी मिनिस्टर हमारे चैंबर में आया हो, हमारी इंडस्ट्री वालों को मिले हो आके कि आपके मसले क्या हैं, ये मसलों को हल ही नहीं करना चाहते। इनको सिर्फ अपने केसों से है, इनके अपने बच्चों की जेबें भर जाए, इनके बच्चों के केस खत्म हो जाए, और इस मुल्क के मजदूर मरते हैं तो मरे, इन्हें कोई परवाह नहीं है। आपको मैं यकीन के साथ कहता हूं कि सर जो आपने बात कही है, अगर ये हालात यूं ही चलते रहे, इलेक्शन ना हुआ, कोई ईमानदार अपना कैंडिडेट या वजीर आजम ना आया, तो ये मुल्क को आगे लेके जाके चलना बहुत मसला होगा। और इस इन्होंने आपका क्या ख्याल है, कोई बिलावल पे इतबार करेगा, कोई शहबाज शरीफ पे इतबार करेगा? मैं, अगर आप बिजनेसमैन है, आप दोनों इन लोगों पे इतबार करके इनके साथ बिजनेस करेंगे? नहीं करेंगे। यही हमारे मुल्क का मसला है कि इन पे कोई इतबार करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, पाकिस्तान का टास्क ये है कि इस खित्ते के अंदर अपना किरदार अदा करना और बैनुल अक्वामी सतह के ऊपर जो कुव्वतें सरगर्म हैं उनका एजेंट बन के काम करें, और इसके अंदर उन्होंने बेहतरीन प्लानिंग की है। क्योंकि आपको पता है कि जाहिल एक ढूंढो हजार मिलेगा हमारे मुल्क में आपको, और बसीरत नाम की तो जैसे कोई चीज़ नहीं है। तो क्या है कि लोगों ने अपनी औलाद, अपना माल, अपना घर सब बाहर के ममालिक में शिफ्ट किया हुआ है। वो जानते हैं कमज़ोर हैं, उनको पाकिस्तान के बारे में एक चीज़ पता है कि इनके कोलोफेल में तजाद है। कोलोफेल में जिन लोगों के तजाद होते हैं उनको क्या कहते हैं? नहीं यार, मुनाफिक नहीं कहते, उनको कहते हैं मुतजाद तबीयत के मालिक। आगे समझ तो आप गए होंगे। तो कोलोफेल में हमारे तजाद है, वैसे हम पूरा वक्त पाकिस्तान का झंडा यहाँ लगा के डिस्को डांस करते रहते हैं, बेवजह पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक के बाद एक बड़ी खबर निकलती चली जा रही है। पाकिस्तान में पहले से दवाओं के लिए खाम माल इंपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान की सरकार के पास डॉलर नहीं थे। अब पाकिस्तान में इमरजेंसी वार्डों में ऑपरेशन थिएटर भी बंद हो चुके हैं। पाकिस्तान में
लोगों के लिए जान बचाना वही मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान की सरकार के पास सुई इंपोर्ट करने तक के डॉलर नहीं है। पाकिस्तान की जिस तरह से हालात काफ़ी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं, पाकिस्तान को लगातार पाकिस्तानी हुकूमत के लोग भीख मांग रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को किधर से भीख मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ इस वक्त सऊदी अरेबिया में और पाकिस्तानी हुकूमत के पाकिस्तानी पीएम जनेवा में आईएमएफ और अमेरिका से सैलाब के नाम पर भीख मांगेगा। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि पाकिस्तान में लगातार फॉरेन रिजर्व गिरते जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए एक खतरे की घंटी है। पाकिस्तान को अब बाहर से इंपोर्ट के लिए डॉलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई दिन रात बढ़ती चली जा रही है और आईएमएफ पाकिस्तान को पैसे देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आईएमएफ के वादों को तोड़ता चला जा रहा है, जिससे आईएमएफ पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुका है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।